हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो यार आप सभी। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे, आज आपका भाई एक बहुत ही मस्त एप्लीकेशन लेकर आया आपके लिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन से अपनी फ़ोटो को आप क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन से दोस्तों आपको फ़ोटो को आपने इंस्टा पर, जैसे मैं आपको कुछ फ़ोटो शो कर रहा हूँ आपके सामने, देख सकते हो दोस्तों इंस्टा पर इस तरह की फ़ोटो बनाई हुई है। तो इसको हम अगर जो पिक्सआर्ट या लाइट रूम वगैरह वगैरह किसी एप्लीकेशन से बनाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा PNG यूज़ करनी पड़ती है और वहाँ पर बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे दोस्तों हमारी जैसे फ़ोटो है, कोई भी हमें PNG नहीं चाहिए, कोई सी भी हमारी फ़ोटो हो उसका बैकग्राउंड भी हम ब्लर कर सकते हैं और हम उस फोटो को इस तरह से इस सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करके दिखाया है, ये मैंने एप्लीकेशन पहले से ओपन कर रखा है दोस्तों, डाउनलोड भी कर रखा है, नियोन इफेक्ट फोटो आर्ट है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लिया मैंने पहले से। अब दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये नियोन वाला पहले आपको इसको बता देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप फोटो यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों इस पर फर्स्ट वाले पर मैंने आप देखा टिक किया, तो कैमरा भी ओपन हो गया, गैलरी भी होगी, तो गैलरी पर टिक कर लेते हैं। आप यहाँ से फोटो हाथों हाथ भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो हम गैलरी से कोई फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल की, चलो इस वाली मॉडल की मैं यहाँ पर ये फ़ोटो ऐड कर लिया, फ़ोटो पर टिक कर लिया, तो यहाँ पर दोस्तों ऐड भी आ सकता है। पहले आप दोस्तों देख सकते हो इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये इन सभी को आपने देखा इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इसको दोस्तों इस तरह से स्क्रॉल करोगे हाथ को, तो यहाँ पर शेड भी कर सकते हो, कहीं भी आप यहाँ पर शेड कर सकते हो, दोनों फिंगर ऐसे टेक कर लिए तो इसको जूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से बना सकते हो। और दोस्तों इसके आप देख सकते हो ये जो ओपेसिटी है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कम ज़्यादा भी हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आपको ये नियॉन इफेक्ट है यहाँ पर मिल रहे, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैच होता है, देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये काम हो गया, तो हम क्या करते हैं इस पर क्रॉस कर देते हैं। अब दोस्तों आप पर यहाँ पर स्टिकर का दो नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों स्टिकर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इनमें से आप दोस्तों कोई सा भी स्टिकर भी लगा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए ये स्टिकर चूज किया है। यहाँ पर इस एरो पर टिक करोगे तो यहाँ पर इसको जूम या कम कर सकते हो, इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो इसको टेढ़ा मेढ़ा लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और दोस्तों कहीं पर भी आप अपने मन पसंदीदा जगह पर इसको सेट कर सकते हो, स्टिकर कोई सा भी ले सकते हो। मैंने भी जैसे आपको दिखाने के लिए वाला स्टिकर लिया है, इस क्रॉस पर टिक कर देंगे तो ये स्टिकर चला जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, इरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर टिक करोगे तो आप देख सकते हो आपकी जो फोटो है इस तरह से इरेज हुई है। ठीक है, तो हमें इसका कुछ मतलब नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रिस्टोर भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो दोस्तों, ऑटो भी कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों PNG भी बना सकते हो। ठीक है, इस पर हम एक बार बैक आ जाते हैं, यस कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हमारी फोटो का बैकग्राउंड भी हम ब्लर कैसे करते हैं। जैसे इसका तो चलो बैकग्राउंड ब्लर है, पर आपकी कोई भी फोटो का अगर बैकग्राउंड ब्लर नहीं है तो आपको ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर टिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे आपको ये दिख रही है एक वाइट पट्टी सी, इस पर टिक करोगे तो आप इस तरह से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों बैकग्राउंड आपका ब्लर हो गया, आप चाहो जितना बैकग्राउंड ब्लर को रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं इतने बैकग्राउंड करता हूँ, क्रॉस कर देते हैं, ये हो गया इतना काम। एक बैक आ जाते हैं और एक और बैक आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यस कर देते हैं। अब दोस्तों आपको इस सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। गैलरी पर फिर से टिक कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड आएगा दोस्तों तो इसको स्किप कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर सेकंड ऑन है तो सेकंड जाने के बाद हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से गैलरी पर टिक कर लेते हैं, यहाँ पर फोटो हाथों हाथ क्लिक भी कर सकते हो दोस्तों, फिर से हम वही वाली फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको इतना क्रॉप कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक आता है तो इतना क्रॉप के लिए नीचे आपको राइट का ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोटो को इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों आपकी एक फ़ोटो के कितने भाग हो गए, ऊपर वाले को इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो फोटो को इस साइड भी ला सकते हो और इस साइड भी ला सकते हो। ठीक है, अब नीचे वाली आप देख सकते हो ये फोटो में बहुत सारी फ़ोटो बन जाएगी, और ये वाला ओपेसिटी है दोस्तों देख सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बैक आ जाते हैं, फिर से हम बैक आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये बीच वाला आपको इफेक्ट दिख रहा है, इस पर टिक कर लेना है, गैलरी पर टिक कर लेना है, और इसको रेड आ गया दोस्तों तो स्किप यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं शायद, तो अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं।
ठीक है, फिर से गैलरी पे टिक कर लेते हैं, एक और फोटो ऐड कर लेते हैं। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए एक ही फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको फर्स्ट में इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेना है। अब देख सकते हो दोस्तों ये तितली वाले है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, इंस्टा पर रील्स पर आप देख सकते हो बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और काइन मास्टर से या फिर पिकसार्ट से इन सभी को यूज़ करेंगे तो पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी आप इस तरह से स्क्रॉल करके सेट कर सकते हो, दोनों फिंगर करके इसको जूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम दोनों फिंगर इस तरह से सेट कर लेना, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर फोटो को एडिट कर सकते हो, बहुत ही मस्त आपकी फ़ोटो यहाँ पर बनने वाली है। इसको एक बार हम क्रॉस कर देते हैं, स्टिकर तो वही मिलेगा दोस्तों, कोई अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड को भी कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान, इसको यूज़ करना है और फोटो एडिट करना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और दोस्तों फोटो आप अपनी कंप्लीट बना लो तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, इस पर टिक कर दोगे तो आपकी जो फोटो है यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका भाई कोई और एप्लीकेशन होगा तो आपके लिए ज़रूर लेकर आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।